तो दोस्तों हम देखेंगे कि जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज जो ग्रह घूमते हैं, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी पश्चिम से पूर्व की जो दिशा में घूमते हैं, वो ग्रह हैं आपके बुध ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, और वरुण ग्रह। तो ये छह छह ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं, उल्टी दिशा में। और अगला, पूर्व से पश्चिम यानी दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज, यानी जो घड़ी की सही दिशा होती है, जो पूर्व से और पश्चिम की तरफ कांटे हमारे घूमते हैं, तो उस दिशा में जो ग्रह घूमते हैं वो है शुक्र और अरुण। हमारे सौरमंडल में दो ही ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी घड़ी की सीधी दिशा में घूमते हैं, तो उनका नाम है शुक्र और अरुण, दो ग्रह। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है वो हम देखते हैं। तो जो ग्रह यानी यहाँ से पूर्व से और पश्चिम दिशा की ओर, यानी ऐसे घूमते हैं, पूर्व से और पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो ये हो जाती है घड़ी की दिशा। तो घड़ी ऐसा ही घूमती है, इधर से और ऐसा, तो ये हो जाती है क्लॉकवाइज। और इसका विपरीत होता है, वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो ग्रह पश्चिम से और पूर्व की तरफ जाते हैं, तो वो होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा। तो जो घड़ी की उल्टी दिशा यानी पश्चिम से और पूरब की तरफ जो ग्रह जाते हैं, वो हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं, और जो ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में जाते हैं, तो पूर्व यानी यहाँ से और यहाँ जाते हैं ऐसे, तो वो हैं शुक्र और अरुण ग्रह। तो हाँ गाइस, मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।